मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झमाझम बारिश के बीच बुधवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद की जनता को 757 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजनाओं की सौगात दी। घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने 111 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को निजी कंपनियों नौकरी मिली है। कार्यक्रम में 503 करोड़ की 69 परियोजनाओं के शिलान्यास और 254 करोड़ की 43 परियोजनाओं के लोकार्पण किया गया। जिन युवाओं को नौकरी मिली है उनका वेतन 10,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रतिमाह तक होगा। योग्यता की बात करें तो हाईस्कूल से लेकर स्नातक बेरोजगारों को वृहद रोजगार मेले में रोजगार मिला। इसके अलावा जिले के 6,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के अलावा स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण भी किया गया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा साक्षरता का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का युवा आज किसी से पीछे नहीं है। हमारा युवा डिजिटल माध्यम से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान 10 जिलों में रोजगार सृजन मेलों का आयोजन किया गया है ताकि युवाओं के सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख लग सकें। उनकी सरकार युवाओं के लिए गंभीरता के साथ कार्य कर रही है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार आपको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाला एक टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ युवाओं को देने जा रहे हैं। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो भारत की जीडीपी में योगदान देंगे। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम होंगे तो इन्हें नए रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। ये 2 करोड़ युवा अगर नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश भी भारत के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है पिछले 7-7.5 वर्ष में जो काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है आज उसका परिणाम है। जो उत्तर प्रदेश कभी देश के विकास में बैरियर माना जाता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले गाजियाबाद की स्थिति बहुत खराब थी। गंदगी का अंबार था, गुंडा टैक्स वसूला जाता था, माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी। इसके लिए उस समय की सरकारी जिम्मेदार थी क्योंकि वह माफिया के आगे नाक रगड़ती थी। उन्होंने कहा कि आज गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है। सुरक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। गाजियाबाद के विकास को लगातार ऊंचाई मिल रही है। RRTS रेल हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट हो जैसी सुविधाएं आज गाजियाबाद के लोगों के लिए सरकार के प्रयासों से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आज गाजियाबाद में रोजगार की भी बेहतरीन सुविधाएं हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, महापौर सुनीता दयाल, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, मंत्री बृजेश सिंह, अनिल अग्रवाल, विधायक अजित पाल त्यागी, धर्मेश तोमर, रमेश चंद्र तोमर, संजीव शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, सत्येंद्र सिसोदिया, मयंक गोयल भी उपस्थित थे।